नंबर एक, फोटोग्राफी। अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है, आप अपने फोन से बहुत खूबसूरत फोटो खींचते हैं, या आपके दोस्त अक्सर बोलते हैं यार तू फोटो बढ़िया खींचता है तुझसे ही खिंचवाएंगे, then that could be a side income opportunity. आप अपनी फोटोग्राफ्स को ऑनलाइन बेच सकते हैं. There are multiple platforms जहां photographers अपनी फोटोग्राफ्स सबमिट करते हैं and they are bought by people who want them. आप अपनी services provide कर सकते हैं, maybe wedding, maybe parties and so on. आप photography के content creator बन सकते हैं जहां आप Instagram पे या YouTube पे अपनी photograph share करके एक community बना सकते हैं. All of these options are available for you. इसके लिए step by step process. Number एक, invest in a good camera. ये एक phone camera हो सकता है, एक DSLR हो सकता है, एंड गेट द फोटोग्राफ्स रनिंग. एज मेनी यूज़ यू क्लिक, आपकी स्किल उतनी इंप्रूव होगी. नंबर दो, अपनी बेस्ट फोटोग्राफ्स का एक पोर्टफोलियो बनाइए, मेक इट ऑनलाइन. वो इंस्टाग्राम पे हो सकता है, ड्रिबल पे हो सकता है, कहीं भी और where you feel your photographs are best represented. नंबर तीन, स्टॉक फोटो वेबसाइट्स पे रजिस्टर करिए एज अ फोटोग्राफर एंड अ सेलर ऑफ दीज फोटोग्राफ्स. नंबर चार, साथ ही साथ अपनी वेबसाइट खोलिए या अपना ब्लॉग खोलिए, यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम चैनल खोलिए एंड स्टार्ट शोकेसिंग दीज फोटोग्राफ्स टू द वर्ल्ड. एंड नंबर पांच, अपने ऑडियंस से एंगेज करिए. वेदर दे कम ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वेदर दे कम एज इंक्वायरीज ऑन स्टॉक फोटोग्राफ्स, जहां भी लोग आपको फीडबैक दें, एक्नॉलेज इट, मेक इट बेटर and get back to them, you will start seeing that money come through. On an average, एक photographer as a side income भारत में कितने कमा सकता है? Anywhere between 10 से 50 हजार रुपए महीना. Number दो, blogging या writing. आप अपने खुद का blog शुरू कर सकते हैं या online लिख सकते हैं to become an accomplished writer. उसको monetize करने के लिए आप ads use कर सकते हैं, sponsored post कर सकते हैं, affiliate marketing कर सकते हैं. The opportunities are endless. अगर आप बहुत अच्छा लिखते हैं and business के लिए लिखते हैं, then you can also start selling your writing services for e-books या business content या editing, so on. इसको step by step हासिल करने के लिए, number एक, एक blog खोलिए. वो medium पे हो सकता है, खुद का blog हो सकता है, whichever is comfortable and economical for you. Number दो, हर रोज लिखना शुरू करिए. पिक अप अ टॉपिक जिसके बारे में आप बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, आपको उसके बारे में ज्यादा कुछ पता भी है, एंड यू बिलीव देयर इनफ एंड मोर पीपल जिनको उस कंटेंट में या उस टॉपिक में इंटरेस्ट है. नंबर तीन, हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करिए. यू कैन यूज द सर्विसेज ऑफ चैट जीपीटी टू होन द राइटिंग स्किल्स, लेकिन कोर जो डीएनए है ना, वो आपका होना चाहिए. इट शुडंट फील लाइक कोई भी लिख सकता है या चैट जीपीटी ने लिखा है. वो अंकुर की जो खुशबू है ना, वो उसमें मिलनी चाहिए. अपने ब्लॉग को प्रमोट करिए ऑन सोशल मीडिया चैनल्स, व्हाट्सएप में, ग्रुप्स में, जहां भी हो सके, एंड धीरे धीरे करके आप एक ऑडियंस अट्रैक्ट करेंगे हु विल लाइक यू फॉर द कंटेंट दैट यू हैव क्रिएटेड. एंड नंबर पांच, फिर मोनेटाइजेशन ऑन कर दीजिए. क्रिएट स्पेस फॉर एड्स. तो गूगल एडसेंस से आप गूगल के एड्स अपने ब्लॉग पे चला सकते हैं. यू कैन स्टार्ट अप्रोचिंग वेबसाइट्स एंड ब्रांड्स फॉर एफिलिएट मार्केटिंग. तो उनके एफिलिएट लिंक्स आप इंसर्ट करके उसके क्लिक्स के थ्रू रेवेन्यू जनरेट जो होता है उसका एक परसेंटेज कमा सकते हैं. आप स्पॉन्सर्ड पोस्ट कर सकते हैं फॉर ब्रांड्स, फॉर पीपल जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं, आपके कंटेंट में वो सीमलेसली इंटीग्रेट हो सकता है, एंड दे आर विलिंग टू पे फॉर इट. ऑन एन एवरेज अगर आप ये करेंगे तो 15,000 से 1,00,000 रुपए महीना आप कमा सकते हैं. नंबर तीन, कुकिंग. अगर आपको खाना बनाना पसंद है एंड लोग आपके खाने की तारीफ करते रुकते नहीं है, then that could be a great side income opportunity. आप एक क्लाउड किचन खोल सकते हैं, आप केटरिंग सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हैं, आप कुकिंग पे कंटेंट बना सकते हैं. The opportunities are amazing and endless. खाना और भारत बेस्ट फ्रेंड्स एवर. तो सबसे पहले आप अपने खाने के एक स्पेशलाइजेशन को चूज करिए. बेकरी हो सकती है, नॉर्थ इंडियन खाना हो सकता है, साउथ इंडियन खाना हो सकता है, स्नैक्स हो सकते हैं, डिजर्ट्स हो सकता है, व्हाटएवर इज इट दैट यू फील आपकी सबसे बेस्ट कुकिंग स्टाइल है, पीपल लव यू फॉर दैट. नंबर दो, होम किचन से शुरू करेंगे. क्लाउड किचन वगैरह में अभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, घर से ही खाने बनाएंगे, क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे, एंड अपनी कॉलोनी में उसके बारे में बात करना शुरू करेंगे. धीरे धीरे सप्लाई करिए. इट कुड बी डोसे का बैटर, इट कुड बी बर्थडे केक्स, इट कुड बी इवन पराठे फॉर पीपल हु कैन नॉट मेक देयर ऑन देयर ओन एंड वुड लव टू हैव इट. व्हाटएवर इज इट दैट यू मेक बेस्ट. धीरी शुरुआत बट सही शुरुआत. जब आपका एक्सपीरियंस बन जाएगा, एक तरीके का फीडबैक लूप आ जाएगा, एंड यू विल फील अ लॉट मोर कॉन्फिडेंट, तब आप एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे. इट कुड बी अबाउट टीचिंग लोगों को कि वो कैसे वो खाना बनाए थ्रू कॉन्टेंट. इट कुड बी क्रिएटिंग योर ओन क्लाउड किचन. इट कुड बी प्रोवाइडिंग केटरिंग सर्विसेज. ओकेजनली किसी की बर्थडे पार्टी है तो एक बड़ा ग्रुप हो गया, या किसी के घर पे कोई हाउस पार्टी है तो वहां जाके बना दिया, एंड स्टार्ट
अनलॉकिंग मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटीज। एज अ साइड इनकम कुकिंग के थ्रू आप 20,000 से 80,000 रुपए महीना कमा सकते हैं। नंबर 4, ट्यूटरिंग। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं, आपको पढ़ाना पसंद है, देन ट्यूटरिंग कुड बी अ ब्रिलियंट साइड इनकम अपॉर्चुनिटी। आप इंटरनेशनल किड्स को पढ़ा सकते हैं, देसी किड्स को पढ़ा सकते हैं, ट्यूशन ऑनलाइन लेके पूरी दुनिया को पढ़ा सकते हैं, व्हाटएवर यू फील कंफर्टेबल अबाउट। ट्यूटरिंग से मैंने अपनी शुरुआत में बहुत अच्छे पैसे कमाए थे। मैं 10th स्टैंडर्ड से ट्यूटरिंग दे रहा हूँ। 10वीं कक्षा में मैं 5th या 6th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स को मैथ्स और साइंस पढ़ाता था। फिर जैसे जैसे बढ़ने लगा तो क्लासेस भी बढ़ने लगी। कॉलेज में मैं 9th और 10th साइंस और मैथ्स पढ़ाता था, एंड दैट यूज टू गेट मी एट दैट टाइम 125 रुपये घंटा। आई रिमेंबर आई यूज टू मेक ऑलमोस्ट 800 रुपीज अ मंथ, विच वॉज एन इनसेन अमाउंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मुझे लगता था कि मैं दुनिया का राजा बन चुका हूँ। सो स्टेप्स टू डू दैट, नंबर 1, आइडेंटिफाई करिए कि कौन से सब्जेक्ट में आप सबसे अच्छे हैं, कौन से एज ग्रुप को पढ़ाना आपको सबसे पसंद है। नंबर 2, एक लेसन प्लान बनाइए, एक अप्रोच बनाइए ताकि आप डिसिप्लिन्ड हो इन योर अप्रोच। नंबर 3, ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म्स पे अपने आप को रजिस्टर करिए, अपनी कम्युनिटी पे अपने आप के बारे में पैम्फलेट छपवा दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में अपने आप को जिक्र करिए एंड गेट विजिबल। नंबर 4, स्टूडेंट्स को धीरे धीरे ट्यूटर करना शुरू करिए, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनसे रेफरल मांगिए। स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ ना बहुत कनेक्टेड होते हैं, सो इफ यू कैन गेट दीज रेफरल्स यू विल हैव एन इंजन जहां आपको एक एंडलेस सप्लाई ऑफ स्टूडेंट्स मिलते रहेंगे। हाँ, लोकेशन कभी कभी प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन अगर आप ऑनलाइन कैसे पढ़ाते हैं वो समझ गए एंड द स्टूडेंट इन फ्रंट ऑफ यू इज जस्ट एज एंगेज्ड ओवर अ जूम कॉल एज दे वुड बी इन पर्सन, देन यू हैव अनलॉक्ड माय फ्रेंड मैसिव अपॉर्चुनिटी। नंबर 5, अगर आप पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं जहां आप घंटे ना स्पेंड करते हुए भी कमा रहे हो, तो इन्हीं सारी क्लासेस को ऑनलाइन रिकॉर्ड करके एक चैनल क्रिएट करिए, समथिंग लाइक खान एकेडमी, एंड लुक एट हाउ बिग इट हैज बिकम। एज अ साइड इनकम आप एक अच्छे ट्यूटर के हिसाब से 10,000 से 50,000 रुपए महीने के कमा सकते हैं। नंबर 5, म्यूजिक। अगर आप गाना जानते हैं, कुछ बजाना जानते हैं, देन दैट कुड बी अ ग्रेट वे फॉर यू टू मेक अ साइड इनकम। आप लोगों को सिखा सकते हैं म्यूजिक इन व्हाटएवर शेप एंड फॉर्म। आप ऑनलाइन लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं, दैट कुड बिकम एन इनकम स्ट्रीम। या नंबर 3, खुद का म्यूजिक बना के ऑन iTunes या Spotify एक इनकम अनलॉक कर सकते हैं। सो उसके लिए पहले एक पोर्टफोलियो बनाइए, एक डेमो बनाइए। इट कुड बी कवर सॉन्ग्स जो किसी और ने पहले बनाए हैं एंड आप उनको सिर्फ कवर कर रहे हैं। इट कुड बी ओरिजिनल्स अगर आप उस मकाम पे पहुंच चुके हैं। बट मेक योरसेल्फ, इवन इफ यू वांट टू टीच अदर्स, अ डेमो और अ पोर्टफोलियो ऑफ योर म्यूजिक। नंबर 2, उसकी चर्चा करने शुरू करिए। व्हाट्सएप ग्रुप पे हो सकती है, पैम्फलेट के रूप में हो सकती है, ऑनलाइन अगर आपका कोई सोशल मीडिया प्रोफाइल है तो वो हो सकता है। नंबर 3, लोगों को या तो सिखाना शुरू करिए या कॉन्टेंट इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक शेयर करना शुरू करिए। धीरे 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 करके एक कम्युनिटी बनेगी। स्टूडेंट से रेफरल मांगिए, जो आपके फॉलोअर्स हैं उनसे कॉमेंट एंड फीडबैक मांगिए, एंड यू गेट अ नेटवर्क एक्टिवेटेड। नंबर 4, मोनेटाइजेशन अनलॉक करिए। यू कुड डू स्पॉन्सर्ड पोस्ट। I know of somebody who quit their CA career to become a musician and ab wo originals create karte hain for people's occasion. So let's say I want to create an original birthday song for Ruchi. To wo meri usme madad karenge, to wo meri kahani aur Ruchi ki kahani acche se sunenge, usko lyrics mein translate karenge, music banayenge and get it delivered. That's such a fantastic and unique personalized service. Aur ye to sirf ek hi example of the multiple opportunities you have as a musician. As a side income, एक musician 15,000 से 70,000 रुपए per month कमा सकता है। Next, fitness training. अगर आप fitness enthusiast हैं, आपकी खुद की body बहुत fit है, you understand the science behind it, you can unlock a side income, my friend. आप लोगों को fit करा सकते हैं। For example, मेरे coach सागर, जो मेरे लिए मेरी fitness routine को plan करते हैं, diet के अनुसार, एक्सरसाइज के अनुसार, फीडबैक के अनुसार, एंड दैट जस्ट हेल्प्स मी अ लॉट। आप कंटेंट बना के लोगों की फिटनेस जर्नी को इम्प्रूव कर सकते हैं एंड यू कैन ऑफ कोर्स मेक अ लॉट ऑफ मनी थ्रू डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन, जैसे कि मैं सागर को एक ईयरली फी देता हूँ फॉर बिकमिंग माई फिटनेस कोच। आप स्पॉन्सर्ड पोस्ट कर सकते हैं वेयर यू कुड बी वर्किंग विद फिटनेस ब्रांड्स, विद अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स ब्रांड्स टू एंडोर्स देयर प्रोडक्ट्स एंड देयर सर्विसेज, एंड नेचुरली आप खुद के एफिलिएट इनकम से भी
रेवेन्यू कमा सकते हैं इफ यू एंडोर्स अदर्स थ्रू अ लिंक एंड नॉट नेसेसरली अ कोलैबोरेशन। इसके लिए सबसे पहले गेट सर्टिफाइड एज अ फिटनेस ट्रेनर, इट हेल्प्स यू विद योर क्रेडेंशियल्स, वो साइंस समझ पाना ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ द बॉडी ऑफ एवरीथिंग अटैच्ड टू इट इज इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो नेसेसरी। नंबर टू, आइडेंटिफाई योर नीश। फॉर एग्जाम्पल सागर जो मेरे कोच हैं, he has a niche of men above 40. That's such an incredible niche. क्योंकि there are enough people जो अपने 20s में अपनी 30s में fit होना चाहते हैं, लेकिन 40s में जब एक तरीके का midlife crisis आ जाता है, बहुत सारे लोग होते हैं यार अब क्या करेंगे, fit भी नहीं है, कुछ नहीं है, and he focuses just on them, which is such a wonderful area and a white space, जहां of course he is killing it. Number 3, personalized training start करिए. Offer these services, understand what people want to get to, understand their body type, understand their eating habits, understand their motivation, aur uske chalke unke liye ek personalized routine and plan banaiye. Number 4, referrals. Always, always important. जितना आप लोगों से रेफरल मांगेंगे, पर्टिकुलरली जब आपने एक अच्छा काम किया होगा, उतनी ही खुशी से वो आपको रेफरल देंगे एंड उतना ही लाइकली वो कन्वर्ट भी हो पाएंगे. नंबर 5, पैसिव इनकम के लिए स्टार्ट अ फिटनेस ब्लॉग. अपने वीडियोस को, अपने कंटेंट को प्रमोट करिए, टेस्टिमोनियल्स लाइए बहुत सारे अपने क्लाइंट्स के थ्रू एंड मेक मनी थ्रू अ पैसिव वे. एक फिटनेस ट्रेनर के हिसाब से आप 15,000 से 60,000 रुपए महीना कमा सकते हैं एंड दैट टू एज अ साइड इनकम. नेक्स्ट, ग्राफिक डिजाइन. अगर आप विजुअली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, देन ग्राफिक डिजाइन इज अ मैसिव स्पेस फॉर यू. आप लोगों के लिए सोशल मीडिया ग्राफिक डिजाइन कर सकते हैं, आप लोगों के लिए ब्रांड ग्राफिक डिजाइन कर सकते हैं, आप लोगों के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं अक्रॉस मल्टीपल स्पेक्ट्रम, आप लोगों को सिखा सकते हैं व्हाट ग्राफिक डिजाइनिंग इज ऑल अबाउट एंड आप खुद का आर्ट या क्राफ्ट भी डायरेक्टली सेल कर सकते हैं. सो नंबर 1, एज इट स्टार्ट्स विद ऑलमोस्ट एवरी आर्ट, क्रिएट अ पोर्टफोलियो. जो भी आपने सारे काम किए हैं उसका एक कलेक्शन, सो दैट इट रिप्रेजेंट्स व्हाट यू ट्रूली स्टैंड फॉर. नंबर 2, बहुत सारे फ्रीलांसिंग गिग प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइवर, अपवर्क, जहां बहुत सारे ग्राफिक डिजाइन के काम आते हैं, सो स्टार्ट अप्लाइंग फॉर देम, शो योर पोर्टफोलियो टू देम एंड जहां भी काम मिले अर्ली ऑन, डोंट ऑप्टिमाइज फॉर मनी, ऑप्टिमाइज फॉर रियली हाई क्वालिटी वर्क which challenges you, ताकि आपका portfolio और भी sorted बने. When you've done the work, ask for referrals. Referral के through, आपको बहुत अच्छे connects मिलेंगे. Referral के through, आपको same level of काम मिलेगा. You'll of course start unlocking more money and also gain in confidence. Number 4, passive income के लिए, अपने खुद का art बना सकते हैं. Could be merchandise, could be stickers, could be notebook, could be stationery in general or anything else and start selling them on sites directly to consumers. Number 5, इस पूरी जर्नी को ऑनलाइन डॉक्यूमेंट करिए. ग्राफिक डिजाइनिंग एंड समथिंग लाइक एन इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म इज हैंड इन ग्लव, एक दूसरे के लिए ही बने हैं. तो जितना आप इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं, लेवरेज कर सकते हैं अपनी पूरी जर्नी डॉक्यूमेंट करने के लिए, अपना डिजाइन शेयर करने के लिए, फीडबैक कलेक्ट करने के लिए, उतना ही आपका एक पर्सनल ब्रांड भी बनेगा एंड इट विल हेल्प यू इन डिस्कवरी बाय पीपल हु विल अल्टीमेटली पे यू फॉर योर स्किल्स, फॉर योर सर्विसेज. As a graphic designer, even on a side income level, आप 20,000 से 100,000 रुपए महीना कमा सकते हैं. Coding, अगर आप कोड करना जानते हैं, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो आप लोगों के लिए वेबसाइट एप्स बना सकते हैं, खुद के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, लोगों को सर्विसेज दे सकते हैं और एक्ट एज अ कंसल्टेंट टू अ लॉट ऑफ बिजनेसेस. उसके लिए नंबर 1, अगर आपकी रुचि है कोडिंग में लेकिन आप सारे लैंग्वेजेस नहीं जानते हैं, देन प्लीज गेट कस्टम टू देम. जावास्क्रिप्ट हो गया, पाइथन हो गया, कुछ भी और विच यू बिलीव यू वॉन्ट टू बी स्पेशलाइजिंग इन, आर इंटरेस्टेड इन एंड इज ऑल्सो अ हॉट लैंग्वेज फॉर वॉट यू वॉन्ट टू डू. नंबर 2, एक पोर्टफोलियो बनाइए. यू विल हैव टू गो ऑन समथिंग लाइक अ गिटहब, क्रिएट योर ओन पोर्टफोलियो. दिस पोर्टफोलियो विल बी अबाउट योर कोड एंड नॉट सो मच अबाउट योर डिजाइन एंड सो ऑन एंड शोकेस योर बेस्ट क्वालिटी वर्क. नंबर 3, फ्रीलांसिंग गिग वेबसाइट्स पे जाके, फाइवर पे, अपवर्क पे, बहुत सारे और डेस्टिनेशंस हैं पर्टिकुलरली फॉर कोडर्स एज वेल, जहां जाके आप प्रोजेक्ट्स को सर्च करेंगे, अप्लाई करेंगे विद योर पोर्टफोलियो एंड होपफुली यू विल गेट थ्रू सम ऑफ देम एंड उससे बहुत बढ़िया काम होगा. बट मोर इम्पोर्टेंटली नंबर 4, रेफरेंस मिलेंगे. Always at the end of good quality work, ask for referrals. क्योंकि उस पॉइंट पे ना एकदम जज्बात हाई होते हैं, लोगों को आप पे प्यार आ रहा होता है. You've done some really good quality work and they will be happy to help you. Number 5, अगर आप कोडिंग में अच्छे हैं लेकिन पढ़ाना भी चाहते हैं या जानते हैं, then I would strongly encourage you to also document the coding journey. Tutorial videos बनाइए,
बहुत सारे जो आपके हार्ड प्रोजेक्ट्स हैं जो पब्लिकली आप शेयर कर सकते हैं, उसकी जर्नी को डॉक्यूमेंट करिए एंड पीपल विल लर्न फ्रॉम दैट. आपका एक पैसिव इनकम स्ट्रीम भी अनलॉक हो जाएगा. यू विल ऑल्सो गेट रिचर एंड बेटर एट योर स्किल. एज अ साइड इनकम, एक कोडर 30,000 से 1.5 लाख रुपए तक कमा सकता है इन इंडिया. नेक्स्ट, वीडियो एडिटिंग. वीडियो एडिटिंग के थ्रू तो चमत्कार है दोस्त. आप रील्स शॉर्ट्स एडिट कर सकते हैं लोगों के लिए, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट एडिट कर सकते हैं, ब्रांड वीडियोस एडिट कर सकते हैं, खुद का कंटेंट बना सकते हैं. इट्स एंडलेस माय फ्रेंड. वीडियो एडिटिंग इज अ स्किल फॉर द फ्यूचर. हाँ, मैं जानता हूँ कि AI के चलते ऐसा लग रहा है यार पता नहीं जरूरत भी होगी कि नहीं होगी, सब कुछ तो मशीनें कर रही हैं, बट दिस इज वेयर इट बिकम्स इवन मोर इंटरेस्टिंग. अगर आप एक वीडियो एडिटर हैं या बनना चाहते हैं, फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज ऑफ कोर्स गेट अकस्टम्ड टू ऑल द टूल्स दैट आर आउट देयर. वीडियो एडिटिंग कोर्सेज लीजिए, स्टार्ट विद द फ्री वंस, देन गो टू द पेड वंस वंस यू कैन अफोर्ड देम, बट गेट दैट मास्टरी एट अ फाउंडेशन लेवल दैट यू नीड टू हैव. नंबर दो, AI टूल्स के साथ खेलना शुरू करिए. यू हैव टू नो हाउ टू वर्क विद देम, नॉट अगेंस्ट देम. तो जितना आप AI यूज कर सकते हैं उतना ही नंबर वन आपकी स्पीड तेज होगी, नंबर दो आपकी क्वालिटी बेटर होगी, एंड नंबर तीन आप चीपली इफ नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी देन सर्टेनली इन टर्म्स ऑफ टाइम उस चीज को कर पाएंगे. All of which will help you. Number 3, gig platforms पे जाके काम ढूंढिए, projects, freelancing opportunities, internships, जो कुछ भी हो, cold emails भेजिए and get started with some work that gets your hands dirty in the process. Of course, हर काम करने के बाद referrals मांगिए. And number 5, अगर आपको पढ़ाना भी पसंद है, then start making tutorials on your journey so that people can benefit from that and you unlock a passive income stream. 20,000 से 1,00,000 रुपए तक कमा सकते हैं एज अ साइड इनकम वीडियो एडिटर इन इंडिया. मेकअप आर्टिस्ट, बहुत सारे लोग हैं जिनको मेकअप पसंद है एंड दे आर एक्चुअली गुड एट इट. और वो अक्सर क्या करते हैं, दोस्तों का मेकअप कर लिया फॉर स्पेशल ओकेजंस, खुद का मेकअप तो अच्छे से कर ही लेते हैं, दे टीच अदर पीपल हाउ टू डू इट, लेकिन उसको एक साइड इनकम बना पाना somehow becomes a big task for them. Hopefully, not anymore. As a makeup artist, आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं. यू कैन क्रिएट योर ओन इंस्टाग्राम चैनल जहां आप पूरी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं. यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी वर्किंग विद ब्रांड्स एंड कोलैबोरेशंस एंड ऑफ कोर्स अफिलिएट इनकम जहां प्रोडक्ट्स इंडोर्स करके उनको बिकवा के एक रेवेन्यू शेयर कमा सकते हैं. नंबर 1, स्टार्ट विद अ पोर्टफोलियो. तो जिन जिन के लिए भी आपने मेकअप किया है, डू अ बिफोर एंड आफ्टर. That becomes a good portfolio. Talk about your specialization. क्या वो eyes हैं, क्या वो foundation है, क्या वो lips है, क्या वो hair है, क्या वो कुछ और है. Makeup could also extend into, actually makeup नहीं, but this can extend into a broader beauty and fashion चीज, जहाँ आप fashion advisor बन सकते हैं, dress advisor बन सकते हैं, और costume advisor या accessory advisor बन सकते हैं. Whatever the cases are, if you have that aesthetic sense, and you know what you're going after. First, local sharing. WhatsApp groups ho gaye, apni colony mein ho gaye, apne dost ho gaye, apne colleagues ho gaye. Unke saath dheere dheere warm up karna shuru kariye, because you get to number 1, experiment with them. Number 2, make some nice happy money. But number 3, most important, get referrals. Agar unko aapka kaam pasand aayega, then wo khushi khushi aapko dusre logo ke liye refer karenge, and you will then start building that network that you want. I would strongly encourage you to create a channel on Instagram. Ye bahut Instagram friendly zone hai, so जहां भी फैशन ब्यूटी आता है, यू विल स्ट्राइक इट रिच इफ यू आर ऑन Instagram. अपनी पूरी जर्नी वहां डॉक्यूमेंट करिए, पर्सनल ब्रांड बनाने की कोशिश करिए, ऑफ कोर्स अपने क्लाइंट्स के जितना भी वो कंफर्टेबल हैं उनके टेस्टिमोनियल शेयर करिए, एंड स्टार्ट क्रिएटिंग दैट बज थ्रू योर नेटवर्क. एज अ मेकअप आर्टिस्ट, इवन इन अ साइड इनकम कैपेसिटी, आप 15,000 से 70,000 रुपए महीना कमा सकते हैं. एंड फाइनली, इवेंट प्लानिंग. अगर आपको पार्टीज ऑर्गेनाइज करना बहुत पसंद है, मुझे इंस्टेंटली अपनी टीम में रुचिका की याद आ गई. शी इज लाइक द लाइफ ऑफ आवर टीम. उसको जब कभी भी बोलो रुचिका हमें गेम खेलनी है, हमें कुछ ये प्लान करना है, हमें कुछ बॉलीवुड नाइट करनी है, एवर रेडी एंड डज अ ब्रिलियंट जॉब. हमारे फ्रेंड सर्कल में भी देर आर पीपल हु आर इनक्रेडिबल व्हेन इट कम्स टू किड्स की बर्थडे पार्टी. वो थीम्स बन रहे हैं डिज्नीलैंड का, अलीबाबा का, वो फ्रोजन का, पता नहीं क्या क्या क्या, एंड दे डू सच अ ग्रेट जॉब. एंड आई कॉन्स्टेंटली कीप थिंकिंग यार ये कितना बढ़िया साइड इनकम अपॉर्चुनिटी बन सकता है. तो इफ यू लव ऑर्गेनाइजिंग पार्टीज, लव ऑर्गेनाइजिंग डिनर्स, लव ऑर्गेनाइजिंग एक्सपीरियंसेस फॉर पीपल, तो आप एक इवेंट प्लान बना सकते हैं. वो इवेंट कितना ही छोटा कितना ही बड़ा भी हो सकता है. वो बर्थडे डेट्स हो सकती हैं या वेडिंग्स हो सकती हैं और एनीथिंग इन बिटवीन. फर्स्ट थिंग,
स्टार्ट बाय आइदर डूइंग दीज इवेंट्स योरसेल्फ या वॉलंटियरिंग फॉर दीज इवेंट्स। तो अगर आपको लगता है कि इवेंट प्लानिंग इज समथिंग दैट यू विल एंजॉय, तो वॉलंटियर बनिए, पूरा बिहाइंड द सीन्स देखने की कोशिश करिए। दूर से ना बड़ा ही सुहावना लगता है कि अरे वाह कितने बढ़िया है पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है, लेकिन पीछे बिहाइंड द सीन्स देयर इज एक्टिव वर्क गोइंग ऑन दैट यू मे नॉट लाइक वंस यू गेट टू एक्सपीरियंस इट योरसेल्फ। तो वॉलंटियर करके उसको अनुभव करिए, या खुद की पार्टीज या खुद के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करके उसको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करिए। नंबर दो, ट्राई एंड थिंक ऑफ अ नीश। वो बर्थडे पार्टीज हो सकती हैं, बर्थडे पार्टीज के अंदर भी किड्स बर्थडे पार्टी हो सकती है, किड्स बर्थडे पार्टी के अंदर भी थीम बेस्ड बर्थडे पार्टीज हो सकती है एज अगेंस्ट नॉर्मल, या पूल पार्टीज हो सकती हैं, या डेस्टिनेशन पार्टीज हो सकती हैं, व्हाटएवर द केस में भी। जितना आप फोकस होंगे ना उतना ही आपको स्पेसिफिसिटी मिलेगी एंड क्लाइंट से ज्यादा पैसा मिलेगा, बिकॉज दे आर लुकिंग एग्जैक्टली फॉर एन एक्सपर्ट टू एग्जीक्यूट दैट आइडिया। नंबर तीन, स्टार्ट ऑफरिंग इट टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, लोकल एनवायरमेंट में, व्हाट्सएप ग्रुप पे, जहां भी पॉसिबल हो धीरे धीरे शुरू करिए। डू इट फॉर पीपल, रिकॉर्ड दैट एंटायर जर्नी, उसके इंस्टाग्राम क्लिप्स, स्टोरीज, पोस्ट, वीडियोस डालिए, सो दैट पीपल गेट एक्साइटेड अबाउट इट, दे सी इट फर्स्ट हैंड कि कितना खूबसूरत बनाया है, एंड थ्रू दैट गेट कंफर्टेबल एंड ऑफ कोर्स गेन कॉन्फिडेंस। नंबर चार, जैसे कि मैंने बताया, आस्क फॉर रेफरल्स। बहुत सारे लोग होंगे जो उस पार्टी में आएंगे एंड यू विल गेट टू डिस्प्ले योर स्किल्स देयर। प्लीज पार्टी में रहिए, बी एन एक्टिव मेंबर ऑफ दैट इवेंट, सो दैट पीपल गेट टू नो कि ये आपने ऑर्गेनाइज किया है, आप उसके प्लानर हैं, एंड इफ दे रियली लाइक दैट इवेंट दे कैन रीच आउट टू यू। एंड नंबर पांच, एज ऑलवेज, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन पैसिव इनकम्स, देन इस पे कंटेंट बनाना शुरू करिए। इतनी सारी छोटी 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 चीजें होती है ना दैट गो इनटू ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट, कि अगर आप उनके बारे में बात करेंगे, डिटेल फैशन में बात करेंगे, यू विल अट्रैक्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी ऑफ पीपल हु विल लव यू फॉर व्हाट इट इज, एंड यू कैन अनलॉक मनी थ्रू एड्स, थ्रू ब्रांड कोलैबोरेशंस, थ्रू एफिलिएट इनकम एंड कॉम्बिनेशन thereof। एक इवेंट प्लानर साइड इनकम के रूप में भी 20,000 से 1,00,000 रुपए कमा सकता है। बहुत सारे और ऑप्शंस भी थे जिनकी डिटेल में मैं गया नहीं। इट कुड बी क्राफ्टिंग, अगर आप आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छे हैं देन यू कैन क्रिएट योर ओन क्राफ्ट, सेल इट ऑन प्लेटफॉर्म्स। इट कुड बी गार्डनिंग, यू कैन क्रिएट कॉन्टेंट अराउंड गार्डनिंग, आप लोगों के गार्डन सेटअप कर सकते हैं एंड दैट्स समथिंग दैट यू कुड डू। सोशल मीडिया मैनेजमेंट, आप लोगों की सोशल मीडिया को मैनेज कर सकते हैं, कुड बी पर्सनल ब्रांड्स, कुड बी सेलिब्रिटीज, कुड बी मे बी कॉर्पोरेट लीडर्स, आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं लोगों के लिए छोटे छोटे स्केल पे, उनके लिए एड्स रन करना, उनके लिए लीड्स जनरेट करना, उनके लिए विजिबिलिटी क्रिएट करना। और कोई आइडिया जो आपके जहन में आता है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, सो दैट एवरीवन कैन बेनिफिट फ्रॉम इट। अगर आपकी पर्सनली कोई स्टोरी हो तो दैट विल बी इवन बेटर, क्योंकि उससे हम सबको इंस्पिरेशन मिलेगी। आई होप दिस वाज यूजफुल। अंकुर वारिकु साइनिंग ऑफ। मैंने दो किताबें अभी तक रिलीज करी हैं, डू एपिक शिट एंड गेट एपिक शिट डन। डू एपिक शिट इज मोर अबाउट लाइफ के बारे में सोचना, रिफ्लेक्ट करना। बहुत सारे फेलियर्स जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुए हैं वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इन गेट एपिक शिट डन में मैं 36 ऐसे लाइफ के सवालों के जवाब देता हूँ जो हर एक इंसान की जिंदगी में उनको कभी ना कभी पूछना पड़ता है। ये दोनों किताबें 400,000 कॉपीज बेच चुकी हैं एंड आई वुड लव फॉर यू टू पिक वन ऑफ देम फॉर यू और योर बेस्ट फ्रेंड्स। लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में।